हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया एक हैक लेकर आई हूँ वॉशिंग सोप यूज करने का। सो कपड़े धोने की साबुन को अच्छे से हम इस्तेमाल कर सकें और रखने का एक बहुत ही अच्छा तरीका आज मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। इससे हमारा बाथरूम शैबी भी नहीं लगेगा और एकदम क्लीन दिखेगा एंड वेरी इजी टू यूज एंड बहुत ही कन्वीनियंट आपको लगेगा। आप जब एक बार आप यूज करने लगोगे तो फिर आप पुराना तरीका भूल जाओगे, जरूर ट्राई करेगा। देखिए, ये तो जैसे मेरा बनवाया हुआ है और ये आप घर पे भी बना सकते हैं अगर जिनको थोड़ी बहुत भी स्टिचिंग आती हो। देखो, ये कोई भी हमने एक कपड़ा ले लिया, ये पॉलिएस्टर का कोई भी कपड़ा है, आप कोई भी ले सकते हैं। इसके साथ ये एक अस्तर है, अस्तर कपड़ा, इनको ज्वाइंट किया। फिर यहाँ एक नेट है, जाली जिसको हम बोलते हैं, ये नेट है। तो ऐसे करके नेट को फिर ये कपड़े से हमने सिर्फ बाजू में सिलाई दे दी है और ये हमने एक डोरी ऐसे लगा दी है कि हम आसानी से हैंग कर सकें इसको बाथरूम में, कि साबुन गिल्ला भी ना पड़ा रहे और सूख जाए एकदम से, ताकि दूसरे दिन बहुत अच्छा वापस फ्रेश हो जाए यूज करने के लिए। रीयूज करने में बहुत ही मदद मिलती है अगर हम उसको हैंग करते हैं बाथरूम में, कहीं पे भी हैंग कर दीजिएगा। और यहाँ देखो, ये वेलक्रो है ताकि साबुन अंदर डाल के ऐसे वेलक्रो से बंद कर दिया एंड इससे ऐसे कपड़े धोने हैं तो कपड़ा भी साफ हो जाता है एंड बहुत साबुन गलती भी नहीं है, बिल्कुल मेल्ट नहीं होगी। आप खुद एक बार यूज करेंगे तो यू विल बी रियली थैंकफुल। मुझे तो ये हैक बहुत ही पसंद आया है। तो अब जैसे मैं तो घर पे ही बनवा लेती हूँ ये सब। तो देखो, अब जैसे ये तो मैंने खाली सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए दिए रखा था, अब इसके अंदर सोप है। ये देखो, ये सोप डाली हुई है मेरी और यहाँ मैं इसको डेली ऐसे हैंग करके रखती हूँ तो जिससे काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो जरूर आप ये यूज करके देखिएगा फ्रेंड्स एंड मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपको कैसा लगा। और ये आप बाहर से भी, मतलब टेलर से भी करवा सकते हो ये, या मुझे पता नहीं है मार्केट में कितना इसका अवेलेबिलिटी है। कोई कोई जगह मिलता भी है पर बहुत ही रेयर जगह, बहुत ही रेयरली ये मिलता है ये। तो मैं तो जैसे आई गेट इट मेड, मैं तो या बनवा लेती हूँ टेलर को समझा के या खुद बना लेती हूँ। तो आप लोग ये जरूर इसे ट्राई करना।